रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब जिसे हर कोई पढ़ चुका है, जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया है, चाहे वो एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस हो या फिर फाइनेंशियल एजुकेशन का असली मतलब। हम सभी ने इसी किताब से सीखा है। और अभी कुछ दिनों पहले एक खबर आई कि रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी पर $1.2 बिलियन का कर्जा है, यानी कि इंडियन रुपीज में कहा जाए तो कुल 96,000 करोड़ रुपए का कर्जा। अभी कुछ टाइम पहले दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो अभी $1.2 बिलियन के कर्जे में है। और जैसे इस वीडियो को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया दोस्तों, तो पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर एक खलबली सी मच गई। हर कोई ये सोच करके हैरान था कि जिस इंसान ने इतनी फेमस किताब रिच डैड पुअर डैड लिखी और जिस इंसान ने हर किसी को एसेट्स और लायबिलिटीज का मतलब सिखाया, आखिर वह कैसे इतने बड़े कर्जे में डूब सकता है। और हर जगह पर, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या फिर ट्विटर हो, लोग उन्हें क्रिटिसाइज करने लगे। लोगों का मानना था कि जिस इंसान ने एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में लोगों को सिखाया, वही इंसान इतने बड़े कर्जे के अंदर कैसे आ सकता है। और लोगों के इस वीडियो को लेकर के डिफरेंट ओपिनियंस थे, और उनकी इसी रील को मेरे दोस्त ने अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास शेयर किया। और उसने मुझसे सवाल पूछा कि ये सब क्या है। जिस इंसान ने लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में सिखाया, वो खुद इतने बड़े कर्जे में कैसे आ गया, वो खुद अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज नहीं कर पाया, बट आखिर इसका रीजन क्या है, रॉबर्ट कियोसाकी ने इतना सारा कर्जा क्यों ले रखा है। अगर आप ये सोच करके कंफ्यूज हो तो डोंट वरी, आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर रॉबर्ट कियोसाकी ने क्यों इतना कर्जा ले रखा है, और सबसे इम्पोर्टेंट, आप और मेरे जैसे एक आम इंसान को इस इंसिडेंट से क्या सीख लेनी चाहिए। अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक जरूर देखें। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि मैं आज एक बिलियनेयर हूं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने इतना सारा कर्जा ले रखा है और यही मेरी अमीरी का कारण है। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि डेब्ट हमेशा दो तरह का होता है, गुड डेब्ट और बैड डेब्ट। रॉबर्ट कियोसाकी अपने इंटरव्यूज में एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताते हुए कहते हैं कि एसेट्स वो चीज है जो हमारी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटीज वो चीज है जो हमारी जेब से पैसा निकालती है। अब मान लो कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिससे आप बहुत सारी चीजें खरीदते हो, जैसे जब भी सेल आती है आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके एक नया मोबाइल ले लेते हो, नए कपड़े और नए जूते ले लेते हो, और महीने के एंड में जब ये लोन चुकाने की बारी आती है तो आपका बैंक अकाउंट खाली रहता है, जिसके कारण आप लोन नहीं चुका पाते और क्रेडिट कार्ड के लोन पर इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है। इसीलिए यह एक बैड डेब्ट है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से आपने जो भी चीजें परचेज की हैं वो आपके लिए कोई भी इनकम प्रोड्यूस करके नहीं दे रही, इसलिए यह एक बैड डेब्ट है। वहीं अगर आप बैंक के पास जाते हो और बोलते हो कि आपको एक कार लेनी है क्योंकि आपको आने जाने में दिक्कत होती है, इसलिए आपको एक नई गाड़ी चाहिए, तो इस तरह का लोन भी आपके लिए बैड डेब्ट होगा, क्योंकि वह गाड़ी आपके लिए एक लायबिलिटी है। इसलिए अक्सर लोगों के बर्बाद होने का कारण होता है कि वो लोन को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते और लोन पे लोन लेते चले जाते हैं, और वह चीज उनके लिए कोई भी कैश फ्लो जनरेट करके नहीं देती, इसलिए यह उनके लिए बर्बादी का कारण बन जाती है। वहीं पर रिसेंट इंटरव्यू में रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा कि उनके ऊपर $1.2 बिलियन का डेब्ट है, जो कि बैड डेब्ट नहीं बल्कि गुड डेब्ट है। कैसे, चलिए समझते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि वो जो भी लोन लेते हैं उससे वो मोस्टली प्रॉपर्टीज बाय करते हैं, और वो भी रेंटल प्रॉपर्टीज। और वो ऐसा कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। इस कैलकुलेटर में देखिए कि अगर आप 1 करोड़ का लोन लेते हैं तो 30 सालों के लिए जहां पर आपको 8.5% की इंटरेस्ट रेट से ब्याज देना होगा, तो आपकी महीने की EMI बनेगी 76,891 रुपए। और अगर आप उस प्रॉपर्टी को रेंट पर चढ़ा देते हैं, और सपोज कीजिए कि वो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है जहां पर आपको 7-8% का रेंटल यील्ड मिलता है, यानी कि उस 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर आपको साल का लगभग 8 लाख रुपए का रेंट मिल जाएगा, जो कि महीने का बनेगा लगभग 66,000 रुपए, जो आपकी मंथली EMI को लगभग चुका देगा। और ऐसे
30 सालों बाद वो प्रॉपर्टी भी आपकी हो जाएगी। अब सवाल आता है कि ऐसी प्रॉपर्टीज मिल कहाँ रही हैं जहाँ पर आपको 7-8% का रेंटल यील्ड मिलेगा, क्योंकि इंडिया में सच में देखा जाए तो मुश्किल से ही आपको 2-3% का रेंटल यील्ड मिलेगा, यानी कि आपको महीने का रेंट जो मिलेगा वो केवल 25-30 हजार होगा और आपकी ईएमआई बनेगी 76 हजार, तो बाकी की ईएमआई का डिफरेंस आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। अब ये तो बात हुई दोस्तों रियल एस्टेट की, आगे हम बात करेंगे कार के बारे में। अब मान लो कि आप एक कार लेते हो लोन पर, तो इस कैलकुलेटर में देखिए जहां पर आपने एक कार लोन लिया है 10 लाख का, जहां पर आपको 9% के इंटरेस्ट रेट से ब्याज देना पड़ेगा और 5 सालों के लिए आपने अगर ये लोन लिया है तो आपकी मंथली ईएमआई बनेगी 20,758 रुपए। और वैसे तो रॉबर्ट कियोसाकी इसे बैड डेब्ट बोलते हैं अनलेस कि ये कार आप रेंट पर न चढ़ा दें। अब यही इस कार को अगर आप ओला या फिर उबर पर रेंट पर चढ़ा देते हो तो ये आपको साल का 2-3 लाख रुपए कमा करके देगी। इस तरीके से यह आपके लिए एक इनकम जनरेटिंग एसेट बन जाएगी। ऐसे में रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग ऐसा डेब्ट आपके लिए बैड डेब्ट नहीं होगा बल्कि गुड डेब्ट होगा, क्योंकि यह आपके लिए कैश फ्लो जनरेट करने में आपकी हेल्प कर रहा है। गुड डेब्ट का यूज अक्सर अमीर लोग फाइनेंशियल लिवरेजिंग के लिए करते हैं। अब ये फाइनेंशियल लिवरेजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए इसे समझते हैं। मान लो आपको कहीं पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, लेट से आपको लग रहा है कि अगर आप इस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको 20% तक का प्रॉफिट हो सकता है। अब आप क्या करते हो कि आपके पास 4 लाख रुपए हैं और इन 4 लाख को इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हो जहां आपको 20% का प्रॉफिट हुआ, तो आपका टोटल प्रॉफिट होगा 80,000 रुपए। अगर आप चाहते हो कि इस प्रॉफिट को और बढ़ाया जाए तो आप बैंक से 16 लाख का लोन ले सकते हो जहां पर आपको 8% की इंटरेस्ट रेट से ब्याज देना पड़ेगा। इस तरीके से आप टोटल 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर पाओगे जहां पर आपका प्रॉफिट होगा 20 लाख का 20%, यानी कि 4 लाख रुपए। और आपने बैंक से जो 16 लाख रुपए 8% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से लिए थे उन पर आपको 8% के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा 1,28,000 रुपए। तो यहां पर दोस्तों अगर आप उन 4 लाख रुपए में से 1,28,000 रुपए बैंक को इंटरेस्ट भी दे दोगे तब भी आपके पास 2,72,000 रुपए नेट प्रॉफिट के रूप में बचेंगे। और यही अमीर लोग करते हैं और फाइनेंस के अंदर इसे ही फाइनेंशियल लिवरेजिंग कहते हैं। बट इसे करने में जितना प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहा है इसमें रिस्क भी उतना ही हाई है। वही अमीर लोग इस कॉन्सेप्ट को इसलिए यूज कर पाते हैं ताकि उन्हें टैक्स में भी छूट मिले। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि मैं कोई भी प्रॉपर्टी खरीदता हूँ तो उससे मुझे रेंटल इनकम आती है और समय के साथ उस प्रॉपर्टी का प्राइस भी बढ़ता है और साथ ही साथ उन्हें उसमें टैक्स भी नहीं देना पड़ता। और इस तरीके से उनके लिए लोन एक गुड डेब्ट है और इसी कारण से उन्होंने जितनी भी प्रॉपर्टीज खरीदी हैं वो सब लोन पर ही ली हैं। इसके कारण उन पर आज $1.2 बिलियन का लोन हो चुका है जिसे कि वो गुड डेब्ट कहते हैं। अब इससे पहले कि आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ करके बैंक के पास निकल जाओ लोन लेने के लिए, थोड़ा रुको। ये दिखने वाला गुड डेब्ट 97% लोगों के लिए कब बैड डेब्ट बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप लोगों ने शायद द टोटल मनी मेकओवर के ऑथर डेव रामसे का नाम जरूर सुना होगा। वेल, डेव रामसे का डेब्ट को लेकर के बिल्कुल अपोजिट व्यू है। डेव रामसे जब 18 साल के थे तब उन्हें रियल एस्टेट का लाइसेंस मिल गया था और क्योंकि उनकी फैमिली का बिजनेस ही रियल एस्टेट का था तो उन्होंने बैंक से लोन लेकर के रियल एस्टेट खरीदना शुरू किया। वो क्या करते थे कि प्रॉपर्टी को लोन लेकर के खरीदते थे और उन्हें महंगे में बेच देते थे और ऐसा करते करते जब वो 26 साल के थे तब उनके पास $4 मिलियन की प्रॉपर्टी हो चुकी थी, बट वो सब उन्होंने लोन पे ले रखी थी। अब होता क्या है कि जिस बैंक से उन्होंने इतना सारा लोन ले रखा था तो उस बैंक की हालत थोड़ी खराब हो जाती है और उस बैंक को एक बड़े बैंक के द्वारा खरीद लिया जाता है। और जब बड़े बैंक का मैनेजमेंट आया तो उन्होंने डेव रामसे को 90 दिनों के अंदर सारा लोन चुकाने को कहा और इस वजह से 28 की उम्र में उनको बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी और वो कंगाल हो चुके थे। इसलिए डेव का मानना है कि डेब्ट से आप अमीर बन सकते हैं बट 97% लोगों के लिए ये काम करने वाला नहीं है क्योंकि वो इतने सारे डेब्ट को हैंडल नहीं कर सकते और हम जैसे एक मिडिल क्लास इंसान के लिए डेब्ट से अमीर बनना बहुत मुश्किल है। जैसा कि हमने ऊपर देखा, अगर हम 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेते हैं तो उस पर अगर हमें 8% का रेंटल यील्ड मिलता है तो हर साल 8 लाख रुपए का रेंट हमें मिलेगा। बट सबसे पहली चीज, अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेते हो तो बैंक आपको केवल 80 लाख तक का ही लोन देगा और 20% डाउन पेमेंट यानी कि 20 लाख रुपए तो आपको अपनी जेब से ही देने पड़ेंगे।
और साथ साथ ही इसके साथ दिक्कत तो ये है कि 8% का रेंटल यील्ड यहाँ मिलता ही कहाँ है। मुश्किल से अगर आप टॉर्च लेके भी जाओगे तो आपको 3-4% का ही रेंटल यील्ड मिलेगा। और अगर आप 8 लाख साल का इंटरेस्ट दे रहे हो और आपका रेंट केवल 4 लाख ही आ रहा है तो बाकी का बचा हुआ इंटरेस्ट आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में जो प्रॉपर्टी से रेंट मिलता है वो बैंक पर लगने वाले इंटरेस्ट से काफी कम होता है। इसलिए आपको बाकी का इंटरेस्ट अपनी जेब से भरना पड़ेगा। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन भी तो होगा, सालों बाद उस प्रॉपर्टी की प्राइस भी तो बढ़ेगी, जो कि बिल्कुल सही है। बट ये सौदा आपके लिए तभी फायदेमंद होगा जब आपके पास एक तो 20% डाउन पेमेंट पहले से ही मौजूद हो और आपको जो भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है वो पैसा आप आराम से रेंज कर पाओ। और जहां तक बात है रॉबर्ट कियोसाकी की, तो अमीर लोगों को मोस्टली कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाता है और यूएसए में रेंटल रेट भी थोड़ा ज्यादा ही है। बट हम जैसे मिडिल क्लास इंसान के लिए इतना सारा लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदना जिससे कि हमें रेंट आता रहे, यह घाटे का सौदा साबित हो सकता है। और अभी तो मैंने इसमें आपकी प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस का खर्चा तक नहीं जोड़ा। और वहीं कई लोग क्या करते हैं कि उनके पास कैश भी तो पैसा होता है, स्टिल वो सोचते हैं कि इन पैसों को हम ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर देंगे जहां से हमें 15% का रिटर्न मिलेगा और जो प्रॉपर्टी खरीदी है उसे लोन पर ले लेंगे ताकि हमें टैक्स में भी रिबेट मिले और रेंट भी। ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है बट सच में 15% रिटर्न लाना बहुत मुश्किल साबित हो सकता है। ऊपर से अगर कोविड जैसी सिचुएशन आ गई तो फिर क्या हो सकता है, आप जानते हैं। आपने जहां इन्वेस्ट किया है वो आपका पोर्टफोलियो 50% से डाउन चला जाएगा और उसे रिकवर होने में सालों लग जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि आपने जो प्रॉपर्टी उस समय बाय की हो उसे उस समय रेंट पर लेने के लिए कोई भी तैयार न हो, तो फिर क्या होगा, होगा ये कि आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो सारा आपकी जेब से जाएगा और ऐसे सिचुएशन में आपके सामने बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। अब ऐसे सिचुएशन में हम जैसा एक एवरेज इंसान क्या कर सकते हैं, हमारे लिए सच बताऊं तो ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। बड़े बड़े बिजनेसमैन लोन लेते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके, बट हम जैसा एक एवरेज इंसान केवल यही कर सकता है कि अगर उसे कोई भी छोटी मोटी प्रॉपर्टी मिल रही है जिसे वो लोन पर लेकर बेनिफिट उठा सकता है, या फिर उसे कोई ऐसा बिजनेस दिखता है जिसे वो एक्सपेंड करने के लिए लोन ले सकता है तो यह फिर भी उसके लिए काम करेगा। बट अगर आप रॉबर्ट कियोसाकी ने जिस तरीके से 8,000 रेंटल प्रॉपर्टीज ले रखी हैं, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो एक नॉर्मल इंसान के लिए ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल है। ऊपर से अगर आपकी रेंटल इनकम आपके लोन इंटरेस्ट से काफी कम निकली तो आपको काफी इंटरेस्ट का पैसा अपनी जेब से ही भरना पड़ेगा। हाँ, हम जैसे लोग कार या फिर बाइक लोन लेते हैं उसे रेंट पे दे सकते हैं, वो आपके लिए गुड डेब्ट साबित हो सकता है। बट हम जैसे मिडिल क्लास लोगों की दिक्कत ये है कि हम लोग गुड डेब्ट और बैड डेब्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब होती चली जाती है। और इसी वजह से ज्यादातर लोग कभी भी डेब्ट को हैंडल नहीं कर पाते और इस लोन के माया जाल में फंसे रहते हैं। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोन लेने जाओ तो थोड़ा सोच समझ करके डिसीजन लेना, वरना आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। और इन सब का सोल्यूशन केवल यही है कि आप जितना हो सके डेब्ट से दूर हो, क्योंकि सच बताओ तो मोस्टली लोग डेब्ट को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप में से कितने लोगों ने ऐसा लोन ले रखा है जो आपके लिए कैश फ्लो जनरेट करके देता है। और बाय चांस अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जैसे कोई प्रॉपर्टी अच्छी लोकेशन पर काफी सस्ती मिल रही है तो आप ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये आपके लिए वेल एंड गुड है। अदर गाइज आप अपनी बुद्धि का सही से इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। वेल फाइनली दोस्तों आज के इस केस स्टडी में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा इंसिडेंट अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये पता चला होगा कि रॉबर्ट कियोसाकी के ऊपर जो $1.2 बिलियन का डेब्ट है वो एक्चुअल में बैड डेब्ट नहीं बल्कि एक अच्छा डेब्ट है। और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो और आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल फ्री है और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता है दोस्तों। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए।